हेलो एंड वेलकम गाइस। तो क्या हाल है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ बढ़िया हो सब। तो भाई अभी मैं हूँ फिलहाल ओल्ड मनाली में, और तीन चार दिन से जो है भाई हमारा स्टे ओल्ड मनाली में ही हो रहा है। मतलब कि इससे आगे हम रोहतांग पास और लेह लद्दाख जाने की सोच रहे थे, तो वहाँ पर नहीं जा पाए, जिस वजह से वापस जो है हम अपना ओल्ड मनाली आ गए और यहीं पर जो है तीन चार दिन से स्टे कर रहे हैं। तो यहाँ की जो वाइब्स है वो टोटली डिफरेंट है, और मतलब कि पता नहीं चल रहा टाइम कितनी जल्दी निकल रहा है। काफ़ी अच्छी वाइब्स है, अच्छा एनवायरनमेंट है। फिलहाल जो है हम अपनी ओल्ड मनाली जो है उसे एक्सप्लोर कर रहे हैं। ये है भाइयों ओल्ड मनाली का ब्रिज, और इसके नीचे से काफ़ी अच्छा रिवर साइड व्यू आता है। यहाँ से एक रिवर जा रही है, और नीचे काफ़ी अच्छी स्टेयर्स बना रखी है इन्होंने, तो यहाँ पे आके आप चिल कर सकते हो बड़े आराम से। प्यारी रिवर जा रही है, आई थिंक इसका नाम है मनालसू रिवर। जो भाई चैनल पर नया सब्सक्राइब कर देना, लाइक शेयर कमेंट मारना और बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। तो भैया ओल्ड मनाली में अगर आप आ रहे हो तो मैं आपको एक बजट स्टे बताता हूँ। तो ये है ओल्ड मनाली का पुल, और इसके ही सामने एक हॉस्टल है, मुस्टैच हॉस्टल करके नाम है इसका, और यहाँ पर आपको स्टे मिल जाएगा पर बेड के हिसाब से। तो एक बेड का चार्ज अराउंड 270 रुपीज़ है, और काफ़ी अच्छी मतलब सर्विस है इनकी। नीचे की साइड इसमें कैफ़े भी है, तो आप वहाँ पे चिल आउट कर सकते हो। सो ये है जस्ट ओल्ड मनाली के ब्रिज के क्रॉस करते ही उसके सामने। तो आज सुबह का सीन भाई ये है कि अब भी बारिश पड़ रही है, ख़त्म नहीं हुई, मतलब बारिश पूरी रात से बारिश हो रही है। यहाँ पे भाई सीन नहीं पता चलता कि कब बारिश हो जाए और कब धूप निकल जाए। मतलब आपने देखा होगा इससे पहले धूप निकल रही थी और अब एकदम से बारिश आ रखी है। मोस्ट प्रोबेबली आज भी हम यहीं पे रुकेंगे। मतलब हमारा सीन कुछ ऐसा हो रहा है मनाली में, खाना पीना सोना घूमना एंड रिपीट, तीन चार दिन से यही चल रहा है। बजट स्टे के लिए काफ़ी अच्छा है ये हॉस्टल, मुस्टैच हॉस्टल, और तो यहाँ पे आप इससे ले सकते हो। मैं आपको ऊपर चल कर दिखाऊंगा कि कैसे इसके रूम्स हैं। तो ये है भैया हॉस्टल का रूम, और यहाँ पे जो है ये ऊपर नीचे बेड लगे हुए हैं। तो एक पर बेड का हिसाब अराउंड 270 रुपीज़ है, और एक रूम में अराउंड 6 बेड लगे हुए हैं यहाँ पे। तो अगर कोई सोलो ट्रैवलिंग कर रहा है या फिर कोई एक दो दोस्त बाइक ट्रैवलर है कोई, तो उसके लिए काफ़ी अच्छा स्टे है ये। ये जगह काफ़ी अच्छी है रात को स्टे करने के लिए, अगर आपको मनाली में लंबे समय तक स्टे करना है बजट के अंदर अंदर। तो ये पर बेड के हिसाब से यहाँ पे सर्विस अवेलेबल है अराउंड 270 रुपीज़, और पीछे की साइड इसमें बाथरूम और दूसरी साइड इसमें एक लॉकर रूम अवेलेबल है। फ्रेंडली कुत्ते हैं यहाँ के बड़े पहाड़ी कुत्ते। ये लड़का बिस्किट खिलाते हुए ये भाई इस कुत्ते की जिंदगी बड़ी अच्छी है यहाँ। ये भाई आप कुत्ता देख रहे हो, क्या नाम है इसका, काजा राजा राजा राजा। इसकी भाई जिंदगी इतनी बढ़िया है लड़के की, सामने अपना मुस्टैच हॉस्टल है, वहाँ पे नीचे कैफे में बैठेगा, खाएगा पिएगा फ्री का, बाहर घूमेगा, फिर रिपीट अगले दिन से। मतलब ओल्ड मनाली के फुल मजे ले रहा भाई है, सोते भी अगला आदमी सोफे पे है। तो भाई असली मजे तो मनाली के कुत्ते ही ले रहा है। मतलब तो भाई ने अभी ने पार्ले जी का बिस्किट खिलाया, और ये कोटा फुल इनका। अब तो दोबारा घूमने चल देंगे, क्या करा अभी नहीं। पहले ने आराम का खाने की आदत पड़ने से यहाँ भाई दसियों कुत्ते आ गए हैं, और आराम का खाया जा रहा ओ भाई अदो। ये अमरीश पुरी का डायलॉग नेक्स्ट लेवल भाई साहब। ये लड़का आ चुका है बाहर घूम के कैफे में, और देख लो कितनी शान से सोफे पे बैठा हुआ है। मोहित खिला दो भाई को कुछ, अभी नहीं। और ये है भाइयों कैफे। तो भाई जैसा कि आप देख रहे हो अभी जो है यहाँ पे बारिश होनी शुरू हो गई, सामने के पहाड़ पे काफ़ी ज़्यादा बारिश के बादल है, और यहाँ पर भी स्टार्ट हो गई। तो मौसम की बात करें तो भाई यहाँ पे ऐसा मौसम है कि इंस्टेंट चेंज होता है। मतलब अभी कुछ टाइम पहले तो यहाँ पे धूप निकल रही थी, लेकिन अभी एकदम से जो है बारिश का मौसम हो गया। तो कह नहीं सकते कि भाई कब यहाँ पे मौसम चेंज हो रहा है, यही इस जगह की खास बात है। थोड़ी देर बारिश के लुफ्त लेते हैं, और यह है भाई अपना हॉस्टल का रूम।
तो फिलहाल भाई मैं हूँ ओल्ड मनाली में और ये ब्रिज क्रॉस करते ही ओल्ड मनाली स्टार्ट हो जाती है। इसके आगे जो है मेन मनाली की माल रोड है, बाकी ओल्ड मनाली यहाँ से स्टार्ट होती है। इस रोड पर आपको आगे चल के काफ़ी सारी शॉप्स मिलेंगी, कैफेज़ हैं, रेस्टोरेंट्स, और अगर आपको शॉपिंग करनी है तो वो भी यहाँ पे कर सकते हो। रात के टाइम पे यहाँ पे काफ़ी अच्छा सीन होता है, तो आपको लाइव म्यूज़िक मिलेगा कैफ़े में और मतलब यहाँ की वाइब डिफरेंट होगी। इसके अलावा साइड में यहाँ पे एक रिवर साइड व्यू भी मिलेगा आपको, रिवर की साउंड, लाइव म्यूज़िक, फुल चिल, मतलब मज़ेदार एकदम। तो काफ़ी लंबी आगे तक रोड है वैसे, मैं ऊपर तक होया लेकिन अब दोबारा नहीं जा रहा क्योंकि इतनी एनर्जी नहीं है अभी मेरे अंदर। मनाली की यार एक सबसे बड़ी बात मुझे ये लगी कि यहाँ के लोग काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली है, मतलब आप उनसे पहली बार बात करोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि पता नहीं कितने पुराने फ्रेंड हो। तो यहाँ के लोग काफ़ी फ्रेंडली नेचर के हैं और काम है। भाइयों मौसम का अपडेट फिलहाल का कुछ ऐसा है कि यहाँ पे काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है और भाई ने टेम्परेचर चेक करा था, अभी कितना हो रहा था भाई यहाँ पे मनाली में, 4 डिग्री टेम्परेचर हो रहा था और स्नोफॉल की भी संभावना है सोलांग में। तो भाई कह रहा है कि दोबारा चलते हैं स्नोफॉल देखने के लिए, और ये ट्रिप यार इतनी शानदार रही कि हमें स्नोफॉल भी देखने को मिली, बारिश भी देखने को मिली, धूप भी मिली, सारा सब कुछ कवर हो गया। मतलब कहाँ पे बर्फ पड़ रही है अभी फिलहाल? सोलांग में दिखा रहा है भाई बर्फ। सोलांग में बर्फ दिखा रहा है। हाँ, टनल तक तो जाने नहीं देंगे इस टाइम। अच्छा, मतलब आगे के रास्ते बंद ही कर देंगे फिर। सिसु जाते हैं, सिसु का बहुत अच्छी बर्फ हो रही है इस टाइम, -4-5। चलो देखते हैं कहाँ तक है। तो भाइयों ओल्ड मनाली जब आप जाओगे उससे थोड़ा सा पहले ही आपको ये मेन मनाली मिलेगी और सामने जो देख रहे हो ये है आप इसकी माल रोड। मेन मनाली ये है और ये है उसकी माल रोड। तो सामने की साइड इसमें सारी शॉप्स अवेलेबल है। यहाँ पे जो है गाड़ी आप पार्क नहीं कर सकते, तो गाड़ी आपको आगे ही कहीं पार्क करनी पड़ेगी। इसके अलावा इस माल रोड पे सिर्फ पैदल चल सकते हो आप, ना ही इस पे बाइक चलती और ना ही इस पे कोई गाड़ी या कार चलती है। मोहित भाई पार्किंग कहाँ पर होगी अगर करेगा तो कहीं यहाँ पर आके नीचे की साइड? ओके, ऊपर जैसा आप देख रहे हो वहाँ पे स्नोफॉल रखी है और ये है यहाँ से पूरा माल रोड का व्यू। रात के टाइम पे इसका काफ़ी अच्छा नज़ारा आता है। ये है भाइयों लोकेशन जहाँ पे आप शाम को घूम सकते हो, चेयर्स लगी हुई आप बैठ सकते हो यहाँ पे, और ऊपर की साइड इंडिया का फ्लैग लगा हुआ है काफ़ी बड़ा। तो ये है मेन जस्ट मनाली की माल रोड के सामने। अभी फ़िलहाल कोविड की वजह से यहाँ पे टूरिस्ट कम है, लेकिन ऑन सीज़न में यहाँ पे आपको खूब टूरिस्ट मिलते हैं, मतलब ये माल रोड भरी हुई मिलेगी आपको और रात के टाइम में बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है यहाँ पर। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा ओल्ड मनाली का, और अगर आप आ रहे हो यहाँ पे तो ओल्ड मनाली ज़रूर विजिट करना, यहाँ पे आपको बिल्कुल ओल्ड वाइब्स मिलेंगी। इससे पहले भाई मैं उत्तराखंड घूम चुका हूँ काफ़ी ज़्यादा, तो हिमाचल प्रदेश में मैं फर्स्ट टाइम आया था मनाली में,
यहाँ पे मतलब मजा आ गया, मतलब बिल्कुल मैं डेफिनेटली दोबारा यहाँ पे आऊँगा घूमने के लिए। तो अगर आप आना चाह रहे हो तो आप भी जरूर आना। क्लाइमेट काफ़ी जल्दी चेंज होता है, मतलब बारिश हो जाएगी, ठंड पड़ेगी, स्नोफॉल होगी और धूप भी निकलती है, तो हर तरह का आपको एनवायरनमेंट यहाँ पे मिलेगा। स्नोफॉल सर्दियों में मिलती ही मिलती है, यहाँ पे जरूर विजिट करना। और स्टे का मैंने आपको बता ही दिया है, पीछे है मुस्टैच हॉस्टल, तो अगर आपको बजट स्टे करना है आप यहाँ पे कर सकते हो। तो ये वीडियो यहीं पे एंड करता हूँ भाई मैं, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। लाइक शेयर कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब मार देना और बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। मिलते हैं भाई अगली वीडियो में, मोस्ट प्रोबेबली अब हम जाएंगे यहाँ से ओल्ड मनाली से कसौल, तो वहीं पे मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।